ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। यस, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। सो यस्टरडे we discussed the first chapter of this book, what is brahmacharya, and in the end we discussed ki the broader meaning of brahmacharya is brahmacharati iti brahmacharya, to act on the spiritual platform is what is meant to be a brahmachari. So we also discussed brahmachari doesn't mean someone staying in ashram in a temple or wearing the dress of a monk. No, it is a state of consciousness. He can be a brahmachari in grihastashram also. If he uses the facility of sex for procreating children, for progeny, bacche paida karne ke liye, agar wo us suvidha ka labh leta hai to, not for enjoyment, manoranjan ke liye nahi, agar wo apne kartavya ka palan karne ke liye wo suvidha ka labh le raha hai, so that is also allowed. He is also respected as a brahmachari. In fact, there is a verse in Bhagavad Gita. Let me show you one verse. We'll begin with the verse. Very important. Bhagavad Gita ke 10th adhyay mein Bhagwan alag alag vibhuti ka varnan karte hai. So, okay, Aditya Prabhu has a question. Wait a minute. I will just show the verse. We'll discuss later. So, Nana Jyotirmay Rango se, okay, I think this is chapter number 11. Let me go up. In chapter number 10, there is a verse where Krishna says about same thing which I was describing. So I will show you the verse and then I will add into it. Mrityu sarvaharashchaham. Yes. I have to check exactly which verse is that. ओके, लेट मी गो अप। सो दिस इज विभूति योग। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 10वें अध्याय का सेक्शन हम लोग देख रहे हैं, जिसे कहते हैं विभूति योग। विभूति योग, यस। ठीक है, लेट मी गो अप। सो इफ यू, हाँ, कामदेव, यस। भगवान स्वयं कहते हैं, ये श्लोक देखिए, आयुधा नाम अहम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि स्कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। वो कहते हैं कि मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतति उत्पत्ति के लिए, संतान उत्पत्ति के कारणों में प्रेम के देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। तो इसमें प्रभुपाद जी परबड़ में लिखते हैं कि कंदर्प काम वासना का सिलेक्ट टेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट। तो वो कहते हैं कि कंदर्प क्यूपिड जो होता है कामदेव, ये जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं, ये काम वासना क्यों दी गई है, पुत्र उत्पत्ति के लिए।
कभी कभी केवल इंद्रतुप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है, और वह कंदर्प कृष्ण का प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिनिधि होता है। दैट सेक्स लाइफ रिप्रेजेंट्स कृष्णा, विच इज मेंट फॉर प्रोक्रिएशन। अच्छी संतान उत्पत्ति के लिए जो किया जाता है उसे कहते हैं कंदर्प या फिर कामदेव, जो कि कृष्णा का प्रतीक है। और जो भोग के लिए किया जाता है वो सिर्फ मनोवांछा है, दैट इज नॉट कृष्णा, दैट इज माया। तो ये हमें समझना चाहिए। यस आदित्य प्रभु। ये प्रभु जी, इट इज ऑल्सो सेड इन उपनिषद दैट ए पर्सन हु हैज नॉट इवन डिस्चार्ज ए ड्रॉप ऑफ सीमेंट थ्रू आउट हिज लाइफ ही गेट्स एडमिशन इन टू ब्रह्मलोक आफ्टर डेथ। राइट। ही अटेंड्स द हाईएस्ट हेवनली प्लैनेट। यस, एट द सेम टाइम द साधका हैज टू डेवलप लव, आई मीन हैज टू डेवलप टेस्ट फॉर लविंग डिवोशनल सर्विस टुवर्ड्स कृष्णा। अगर कोई बस तपस्या कर रहा है सो ही विल गो इन टू शांत रस, ही हैज अट्रैक्शन फॉर कृष्णा बट नो सेवा भाव। और जब सेवा भाव आएगा तो क्या होगा, ही विल गो टू वैकुंठ प्लैनेट। और जब सेवा भाव और कंडेंस हो जाएगा, ही विल डेवलप साक्ष्य भाव, ही विल गो टू गोलोका। तो यू आर राइट, व्हेन समवन फॉलोस स्ट्रिक्टली फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ही विल डेफिनेटली अटेंड ब्रह्मलोक। बट ब्रह्मलोक क्या है, ब्रह्मलोक भी भौतिक जगत के पार्ट है। ही कैन नॉट गो बैक टू गॉड हेड जस्ट बाय स्ट्रिक्टली फॉलोइंग फोर रेग्स। लाइक यस्टरडे आई मेंशन्ड, एनिमल्स ऑल्सो फॉलो स्ट्रिक्टली सेलिबसी, बट दे कैन नॉट गो बैक टू गॉड हेड जस्ट बाय बिकमिंग सेलिबेट। दे हैव टू डेवलप द लविंग डिवोशन सर्विस टुवर्ड्स कृष्णा, देन ओनली वी कैन गो बैक होम बैक टू गॉड हेड, और वी कैन कम आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ माया देवी। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड वन मोर पॉइंट आई वॉन्ट टू एड, ये आगे बुक में आने वाला है। समटाइम्स पीपल गिव अप ब्रेकिंग फॉर रिलेटिव प्रिंसिपल्स बिकॉज ऑफ अल्टीरियर मोटिव्स। फॉर एग्जाम्पल, समवन लाइक्स टू ईट स्वीट्स लेकिन उसको डायबिटीज हो गया है, तो वो स्वीट्स नहीं खाएगा। तो बाहर से देखने को लग सकता है कि उसको, वो देखो कितना सेंस कंट्रोल हो गया है, वो अभी उसने स्वीट्स खाना छोड़ दिया है, लेकिन सेंस कंट्रोल नहीं हुआ है, वो उसको फोर्स किया गया छोड़ने के लिए बिकॉज ऑफ हैविंग डायबिटीज। सिमिलरली पीपल हु बिकम वेरी वीक बिकॉज ऑफ मिस यूजिंग द सेंसेस, दे वॉलेंटरीली गिव अप वॉचिंग पोर्नोग्राफी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसा लग सकता है कि वो कितना महात्मा है, वो महात्मा नहीं है, उसने अपने फैसिलिटीज को पूरा यूज कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है। नाउ देयर इज नो मोर फैसिलिटी अवेलेबल, दैट्स व्हाई ही इज नॉट एबल टू डू सेंस ग्रेटिफिकेशन। सो दिस आल्सो वी हैव टू सी, समवन मे बी प्रैक्टिसिंग ब्रह्मचारी है बट उसके पीछे कारण क्या है वो भगवान जानते अच्छे से, एंड अकॉर्डिंगली कृष्णा विल गिव द मर्सी। सो जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग एक्सटर्नली, सिर्फ बाहरी तौर पर दिखावा करने से हमारा भक्ति में प्रगति नहीं हो सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए वी शुड बी वेरी सिंसियर, हमें प्रामाणिक बनने की आवश्यकता है। ओके, विल फर्स्ट बिगिन अवर टॉपिक, देन विल हैव सम मोर क्वेश्चंस। द बेनिफिट्स ऑफ ब्रह्मचर्य, अगेन देयर इज अ श्लोका गिवन हियर, आयुस तेजो बलम वीर्यम प्रज्ञा श्रीश्च ये यशस्तथा पुण्यता सत्प्रियत्वम च वर्धते ब्रह्मचर्यया। तो देखिए, अगर आप सेलिबसी का पालन करते हो, इफ यू डोंट वेस्ट सीमन, इफ यू लीव अ प्योर लाइफ, तो क्या होता है देखिए, बाय द प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य सेलिबसी लॉन्जिविटी, आपका जीवन का जो आयु है, आयु विल इंक्रीज, यू विल लिव लॉन्ग लाइफ। लश्चर, आपके चेहरे का तेज बढ़ेगा, आपके शक्ति बढ़ेगा, स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, विगर विगरस, स्पीड विल इंक्रीज, नॉलेज आपका जो ज्ञान है, ज्ञान का वर्धन होगा, ब्यूटी आपकी सुंदरता बढ़ेगी, फेम आपका नाम रोशन होगा, पायटी आपका पुण्य बढ़ेगा, एंड डिवोशन टू ट्रूथ इंक्रीजेस, सत्य के प्रति आपका जो समर्पण है वो बढ़ता है। ये कहाँ से आया है, शिवानंद स्वामी नाम के बहुत बड़े आचार्य हुए, उनकी किताब में से लिखा हुआ है। शिवानंद स्वामी ही वाज अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ ब्रह्मचर्य सेलिबसी। तो देखिए आगे क्या बोलते हैं वो, प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य गिव्स गुड हेल्थ, इनर स्ट्रेंथ, पीस ऑफ माइंड, फोर्टिट्यूड एंड लॉन्ग लाइफ। इट हेल्प्स टू कंजर्व फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी। व्हेन वी लूज सीमन, आपका फिजिकली तो बॉडी खराब हो ही रहा है, साथ में जो मेंटल पीस ऑफ माइंड है या मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी हमारा कम हो जाता है। इट ऑगमेंट्स मेमोरी, आपका बुद्धि बढ़ेगा, इट इंक्रीजेस विल पावर,
आपकी जो इच्छा शक्ति है वो स्ट्रांग हो जाएगी, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर होगा, क्लियर थिंकिंग, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एंड एबिलिटी टू ग्रास्प फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स, जो आध्यात्मिक, जो सिद्धांत, जो सैद्धांतिक वस्तुएं हैं हमारे भागवतम में और शास्त्रों में, वो हम समझ सकते हैं। इट बिस्टोज फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी शक्ति बढ़ेगी, विगर, वाइटेलिटी, इम्यूनिटी, करेज, बोल्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, आपका चरित्र का वर्धन होगा। टू वन हु प्रैक्टिस ब्रह्मचर्य डिवाइन नॉलेज कम्स एज इफ नेचुरली, तो उसका जो डिवाइन नॉलेज है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो अपने आप उसके हृदय में दिव्य ज्ञान आ जाएगा। हिज वर्ड्स कॉन्वे मीनिंग एंड ऑथोरिटी, वो जो बोलेगा उसमें तथ्य मीनिंग रहेगा, एंड ही विल स्पीक विथ ऑथोरिटी, विथ कमांड, एंड लीव एन इम्प्रेशन ऑन द हियरर्स। कॉन्वर्सली दोज हु डू नॉट प्रैक्टिस ब्रह्मचर्य मस्ट ऑलवेज रिमेन इन इल्यूजन, जो नहीं पालन करते हैं फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, दे विल ऑलवेज रिमेन इन इल्यूजन, माया, वो हमेशा माया में पड़े रहते हैं। प्रभुपाद सेज ब्रह्मचर्य इज वेरी वेरी एसेंशियल, व्हेन वन बिकम्स डिटेस्टफुल टू सेक्स लाइफ दैट इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, वेरी गुड। तो ये उन्होंने एक लेक्चर में कहा था कि जब आप आपका आकर्षण सेंस एंजॉयमेंट के प्रति कम हो जाता है, सो देर आर टू थिंग्स, वन इज ग्रॉस सेक्स एंड वन इज सटल सेक्स। सो ग्रॉस सेक्स मीन्स आप लोग सब जानते ही हो, वॉचिंग पॉर्नोग्राफी, मास्टरबेशन एक्सेट्रा। सटल सेक्स मीन्स डिजायरिंग फॉर पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, उसके लिए जो हमारी भूख रहती है कि लोगों ने मुझे मेरी तारीफ करनी चाहिए, मेरा सम्मान करना चाहिए, यूट्यूब पर मेरे फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए, ये सब जो हमारी आकांक्षा होती है, इट इज ऑल्सो अ सटल सेक्स डिजायर। सो हैंकरिंग फॉर नेम, फेम, प्रेस्टीज, या धनंजयम सुंदरी, फॉर मनी, वुमन एंड फॉलोअर्स। सो जब हम इसके प्रति हमारा टेस्ट निकल जाएगा तो क्या होगा, भक्ति में हमारा टेस्ट बढ़ेगा, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट, विल गो अहेड। ब्रह्मचारी इज ऑल्सो अ डेजिग्नेशन, ये एक उपाधि भी है, डेजिग्नेशन मतलब उपाधि, टाइटल। ओके, कैन समवन रीड, आदित्य राज प्रभु प्लीज पढ़िए। श्री चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर्ड, आई एम नॉट अ ब्राह्मण, अ क्षत्रिय, अ वैश्य और अ शूद्र। आई एम नॉट अ ब्रह्मचारी, अ गृहस्थ, अ वानप्रस्थ और अ सन्यासी। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ ओनली एज द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, द मेंटेनर ऑफ द गोपीज। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 13.18। द गोल ऑफ लाइफ इज नॉट टू बी अ ब्रह्मचारी नॉर अ गृहस्थ नॉर इवन अ सन्यासी, इट इज टू बी अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। श्रील प्रभुपाद ऑफन कोटेड फ्रॉम द नारद पंचरात्र, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत परवेतनम निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। प्योर डिवोशनल सर्विस मीन्स बीइंग फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल डेजिग्नेशंस। ब्रह्मचारी इज ऑल्सो डेजिग्नेशन। इफ यू पुट टू मच एम्फेसिस ऑन मेकिंग डिस्टिंक्शंस बिटवीन वर्ण एंड आश्रमास, स्पेशली अमंग्स डिवोटीज, वी आर इन द बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, फॉर वन कैनॉट रियलाइज द एब्सोल्यूट ट्रूथ सिंपली बाई ऑब्जर्विंग सेलिबेसी। श्रीमद यस भागवतम 5.12.12। राइट, अभी हमने वही डिस्कस किया ना कि जस्ट बाय फॉलोइंग सेलिबसी स्ट्रिक्टली, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, हम लोग कृष्णा को रियलाइज नहीं कर सकते। फॉर रियलाइजिंग कृष्णा वी हैव टू सर्व कृष्णा थ्रू हिज डिवोटीज। जब आप कृष्णा की सेवा भक्तों के माध्यम से करेंगे, एंड व्हेन द कृष्णा रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी प्लीज्ड विद अस, देन वी कैन रियलाइज कृष्णा। तो वो ही बात बता रहे इधर कि भगवान क्या है, उनको आप केवल भौतिक स्तर पे सेलिबसी, ब्रह्मचर्य या चार नियम का पालन करने से नहीं समझ सकते। इसलिए प्रभुपाद ने क्या बोला है, फॉलो फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड चैंट मिनिमम 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र एवरी डे। तो ये चार नियम आपको 16 माला जाप करने में सहायता करते हैं। अलॉन्ग विथ फॉलोइंग चैंटिंग 16 राउंड्स, वी हैव टू टेक एसोसिएशन, वी हैव टू रीड बुक्स, एंड ऑल्सो वी हैव टू ईट कृष्ण प्रसाद। आप जो खाते हो, अगर हम एक कर्मी के हाथ से खाना खा रहे हैं, स्पेशली इन मेस एंड कैंटीन्स, द फूड वी गेट, द पर्सन हु इज कुकिंग द फूड फॉर अस, हम जिनके हाथ का खाना खाते हैं, उसके चेतना में भी वही सब भरा हुआ है ना। ऑल कचरा इज देयर, टू वॉच पॉर्नोग्राफी एंड टू ईट नॉन वेज, और सब जितने भी पाप कार्य है वो लोग सब करते हैं, और साथ में खाना भी बनाते हैं।
तो उससे क्या होता है, उनकी चेतना खाने में आ रही है और वो ही खाना हम लोग खा रहे हैं, तो हमारी भी चेतना उससे, अवर कॉन्शियसनेस गेट्स कंटेमिनेटेड. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इट इज नॉट दैट इजी, इतना आसान नहीं है कृष्ण को समझना. कृष्ण को समझना है तो हमें भक्तों का संग, भक्तों की सेवा और नाम जप ध्यान पूर्वक करना चाहिए. देन वी कैन रियलाइज कृष्ण, देन ओनली वी कैन रियलाइज कृष्ण, नॉट सिंपली बाय ऑब्जर्विंग सेलिबसी और फॉलोइंग फोर रिटेड प्रिंसिपल्स ऑन एक्सटर्नल लेवल. तो इंटरनल लेवल पे जो भी है, जो हमने शुरू में थोड़ी चर्चा की, वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए. मेंटल प्योरिटी एज वेल एज फिजिकल क्लीनलीनेस, बोथ आर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, समवन एल्स कैन रीड. अंकित प्रभु पढ़िए. हरे कृष्ण, यहाँ से पढ़िए. मायावती रीड. मायावती सन्यासी टू फॉलो डिफिकल्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फार मोर स्ट्रिक्टली देन मोस्ट डिवोटीज कुड इवन ड्रीम ऑफ, बट दे आर नॉट डियर टू कृष्णा. चैतन्य महाप्रभु वुड गिव रिस्पेक्ट इवन टू मायावती सन्यासी एज वॉज द सोशल एटिकेट, बट ही एसोसिएटेड ओनली विद डिवोटीज. When he visited Varanasi, Mahaprabhu avoided the numerous Mayavadi sannyasis and chose to live amongst his grihastha devotees instead. Tapan Mishra, Chandrasekhara, Asudrabai caste, and the Maharashtrian Brahmana. The Mayavadi sannyasis were astonished at this and criticized the Lord. Only after he had converted them to Vaishnavism was the Lord pleased to sit among them and take prasad. In considering a devotee's spiritual advancement, Chaitanya Mahaprabhu never considered his external situation. Of his 3.5 intimate associates, two, Ramananda Raya and Sikhi Mahiti, were householders, half, Mahadevi Devi, was an old woman, and one, Swarup Damodar, was a renunciate who had not even bothered to accept all the external formalities of sannyasa. Many of Lord Chaitanya's leading devotees were householders and some were rejects from society. Indeed, Lord Chaitanya blessed Haridas Thakur, who was born in a Muslim family, to be the Acharya of the holy name. Just to demonstrate that spiritual advancement is not dependent on being respectable according to varna and caste consideration. Yes, तो बता रहे हैं कि जो चैतन्य लीला में, गौर लीला में अगर आप देखो तो भगवान के सबसे तीन महत्वपूर्ण जो पार्षद माने जाते हैं, सो वन इज रामानंद राय. तो रामानंद राय ये ललिता सॉरी विशाखा देवी के अवतार है. ही इज विशाखा इन द फॉर्म ऑफ रामानंद राय. सेकंड इज शिखी माहिती. थर्ड इज सेकंड एंड अ हाफ, सो टू आर माता जी. सो शिखी माहिती एंड हिज सिस्टर माधवी देवी एंड हु वाज अ ओल्ड वुमन, बोथ ऑफ देम. एंड फोर्थ वन इज स्वरूप दामोदर. स्वरूप दामोदर इज ललिता देवी. सो वन इज ललिता, वन इज विशाखा. तो ये चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण एक है, उनके नित्य पार्षद थे. बट द पॉइंट ही इज मेकिंग हियर इज कि आउट ऑफ देम रामानंद राय, शिखी माहिती, माधवी देवी, ये सब गृहस्थ थे. एंड स्वरूप दामोदर इज अ सन्यासी, ही इज अ रिनन्सिएट. लेकिन महाप्रभु ने कभी भेदभाव नहीं किया, अरे ये तो हाउस होल्डर्स है, इनको क्या पता. नो, ही गेव इक्वल रिस्पेक्ट टू एवरी वन बेस्ड ऑन देयर नॉलेज ऑफ कृष्ण एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ. और एग्जाम्पल लेते हैं नामाचार्य ठाकुर हरिदास का. उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन उनको भी महाप्रभु ने नामाचार्य की उपाधि दी. ही गेव द टाइटल यू आर अ नामाचार्य, द बेस्ट चैंटर ऑफ द होली नेम. वाई? बिकॉज ऑफ हिज एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड नॉट ऑन द वर्णा एंड आश्रम. तो वर्णा एंड आश्रम इज मटेरियल, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं. एंड वैष्णव इज बियॉन्ड वर्णा एंड आश्रम. लेकिन जब तक हम वैष्णव नहीं बनते हैं, हमें वर्ण और आश्रम को ठीक तरह से फॉलो करना चाहिए टू सेट एग्जाम्पल इन द सोसाइटी. आगे देखते हैं. यस आदित्य प्रभु, प्लीज रीड. So we should not be overly concerned with externals.
I am a brahmachari, I am a sannyasi, we are all servants of Krishna. Jivere swarupa haya krishnera nitya dasa. The constitutional position of the living entity is as the eternal servant of Krishna. Chaitanya Charitamrita Madhya 20.108. The relative advancement of a Vaishnava is understood only by the quality of his devotion to Krishna. Varna and ashram doesn't matter. Don't matter. CC Proji, what is that? CC Antalila. 4. CC Antalila. 67, yes. Same point, what we Still discussed. Present. Same point is mentioned here. You can continue. Still in our present position, Brahmacharya must be emphasized as an essential part of the means to our end of attaining love of Krishna. In our present neophyte position, unless we make a rigid program to control our senses, there will never be any possibility of advancement to higher levels. A human being is meant to be trained according to certain principles to revive his original knowledge. Such a methodical life is described as tapasya. One can gradually be elevated to the standard of real knowledge or Krishna consciousness by practicing austerity and celibacy, brahmacharya, by controlling the mind, by controlling the senses, by giving up one's possessions in charity, by being outwardly truthful, by keeping clean, and by practicing yoga, yogasans. Unless one is master of his senses, he should not be called Goswami, but Godas, servant of the senses. Following in the footsteps of the six Goswamis of Vrindavan, all Swamis and Goswamis should fully engage in the transcendental loving service of the Lord. As opposed to this, the Godasas engage in the service of the senses or in the service of the material world. They have no other engagement. Prahlad Maharaj has further described the Godasa as Adanta Go, which refers to one whose senses are not controlled. And Adanta Go cannot become a servant of Krishna. Yes, very important. So, ye NOI. उपदेशामृत के पहले श्लोक में आता है, तो वो जो श्लोक है आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके पहले शायद, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतावान यो विषहेत धीरः सर्वाम अपि इमाम पृथ्वीम च शिष्यत। तो उसमें ऐसा लिखा है कि जो छह प्रकार के जो अर्जस अर्जस ये हमने पढ़ा था, इसमें वी रेड दिस श्लोक इन प्रकृति के नियम लॉज ऑफ नेचर में हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की थी कि जो उत्तेजनाएं होती है अर्जस the urges, temptations, the urge to speak, कुछ बोलने की जो urge होती है, इच्छा होती है, उसके अलावा क्या होता है, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, और क्रोध जब गुस्सा आता है, या हमारे मन में विचारों के जो urge, विचारों की सुनामी चलती रहती है, जीवा वेगम, जीवा, कुछ अच्छा खाने की इच्छा होती है, उदर उपस्थ वेगम, the urges of the stomach, belly, and urges of genitals, तो ये छह प्रकार के जो urges है, उत्तेजनाएं हैं, इसको हमें सहन करना चाहिए, और जो इसको सहन करता है वो गोस्वामी कहलाता है, और जो सहन नहीं करता है और इन उत्तेजनाओं में फंस जाता है उसको गोदास कहते हैं। आदान्त गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम, ये श्लोक प्रहलाद महाराज का श्लोक है जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर कोट किया है। तो वो ऐसा व्यक्ति क्या है, गोदास है, और वो कृष्ण की सेवा में कभी नहीं लग सकता। तो गोदास को अगर गोस्वामी बनना है तो क्या करना चाहिए, फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ सिक्स गोस्वामी ऑफ वृंदावन, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, छह गोस्वामियों के पद चिन्हों पर पालन करना चाहिए। तो ही कैन बिकम गोस्वामी इवेंचुअली, एंड देन और फिर उसको समझ में आएगा वृंदावन धाम क्या है, और राधा कृष्ण का जो विग्रह है उसका क्या महिमा है, वो समय समझ पाएगा अगर वो अच्छे से पालन करेगा तो। नहीं तो वो क्या बना रहेगा, ही विल सिंपली रिमेन गोदास, गोदास दास गोदासानुदास, ही विल रिमेन सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ all the godasas, like our in our company also many of them or all of them are more or less godasas, servant of senses, servant of mind and senses. So we have to become servant of Krishna, guru and Krishna. Our opposite is servant of maya, maya devi. To wo hame usse bachna chahiye. To jab hum log NOI padhenge to usme hum log iske bare mein aur acche se charcha kar sakte hain. Aur ek point upar likha tha ki कि जो वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम इज नॉट गिवन सो मच वेटेज और इम्पोर्टेंस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, अगर आप ठीक से कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो। बट एज लॉन्ग एज वी आर नॉट फिक्स्ड अप इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वी शुड फॉलो द वर्णाश्रम सिस्टम वेरी स्ट्रिक्टली, स्पेशली
following the four ashramas, brahmacharya, grahastha, vanprastha, nyas. We have to follow it rigidly to make advancement to higher levels. That's the main purpose. Okay, we have 10 minutes left. So we'll cover one more topic, which is Adiras. Okay. Aditya Raj Prabhu, please read. Sex is an overwhelming present in the material world that the question must arise. Where has this sex desire come from? The answer is that sex originates from God. In the spiritual world, Krishna and his consorts are spontaneously attracted to each other and engage in pastime of love together. This is called Adirasa, the original and the real sex desire, the supermost platform of spiritual exchange. The Adirasa is free from all material contaminations and is as different to mundane sex attraction as gold is to iron. Devotees who are without a trace of any mundane desire, who are situated on the highest platform of spiritual understanding, such as Sukadeva Goswami, Rupa Goswami, Ramananda Raya, have appreciated and glorified this Adirasa. Indeed, Krishna himself accepts the form of Lord Chaitanya, adopting the mode of Srimati Radharani, just to taste the full sweetness of this Adirasa. When this incomprehensibly elevated service mood is prevented and twisted by souls envious of Krishna's enjoyment, it comes out as a nasty mundane sex desire, which enthralls and the conditioned souls and possesses an ever-present menace for the aspiring transcendentalist. Why is it that the jnanis and the yogis undergo great austerities, strenuously endeavoring to overcome material desires, but still can only make a slow advancement over many lifetimes? Why is it that a neophyte devotee, despite chanting and praying to God, are still prone to fall down at all time? It is because of sex desire. The perverted expression of Adirasa, known as the mundane sex desire, is the main obstacle in spiritual progress. Yes, very important. Very, very important. So, batate hai ki the rasa originally comes from Krishna. So-called pleasure which we get in rubbing the body, which it is coming from Krishna, which is completely transcendental and pure. Aur uske baare mein agar aapko aur jankari chahiye, so you can, when you will be allowed to read those five chapters of Ras Lila, right? In Krishna book, from 29 to 33, 29, 30, 31, 30 to 33. इसको हम कहते हैं पंच रासोध्याय. सो कृष्णा बुक अगर आप देखेंगे 29 to 33 चैप्टर अगर आप ये पढ़ोगे, इस पे प्रभुपाद ने बहुत अच्छा प्रपोर्ट दिया है. एंड ही हैज एक्सप्लेन्ड वेरी क्लियरली दैट द लव बिटवीन गोपीज एंड कृष्णा इज प्योर लव. इट्स बियॉन्ड द मंडेन सेक्स डिजायर विच इज देयर इन अ बॉय एंड गर्ल. तो उसमें बताते हैं that love is meant to serve Krishna. Here the love is meant to serve our senses, especially genitals. So that's why it's not love, it's lust. It's lust only. But in spiritual world, every sense, every desire is meant to serve Krishna and to please Krishna. That's why it's the topmost form of love. And it is so glorious that Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu, he was a sannyasi, but he used to hear the pastimes of Radha and Krishna in Vrindavan again and again from his eternal associates. Why? Because that is the topmost form of love. And he also told, ki, I am not a brahmachari, I am not a sannyasi, I am not a vanprastha, I am not a vaishya, shudra, I am gopir bhartur padakamalo, das, das, dasanudas. I am servant of servant of servant of the servant of the Lord Gopinath, the gopis, who is the servant of Radha Gopinath. So in that way this is. I have one poem by Bhakti Tirth Maharaj. Unhone ek poem likha hai. So tomorrow we'll show that. We'll discuss from that. Very important. How we cannot go back to Godhead. Jo yahan pe likha hai na, unless we give up the desire for sex enjoyment. Unless we give up this, we cannot go back to Godhead. So wo abhi mere paas handy nahi hai. So I will search it out and we'll discuss in tomorrow's session. So our biggest obstacle in Krishna consciousness is self-desire. Lust. Lust is our number one enemy. We have to understand this. Okay, we have 5 more minutes. We'll cover this section. Mundane sex desires. Yes.
अंकित प्रो प्लीज रीड. The conditioned soul in the material world is in a state of madness. Unam pratham kurute vikrama. Even Bhagavatam 5.5.4. Forgetting his eternal blissful relationship with Krishna, he is living life after life, being kicked and spat upon by Maya. But he is smiling, taking it as an enjoyment. Why? Because he is charmed by the glitter of false happiness, beginning with sex pleasure. Sex desire is the main symptom of insanity exhibited by the conditioned soul. Such beings are always intrigued and charmed by the opposite sex. It's the onset of puberty, especially those who have not been trained otherwise, become overwhelmed by sexual desires. They take every opportunity to mingle with and enter into relationship with the opposite sex. Although they get limited opportunities to do so, their consciousness is always saturated with thoughts of touching the bodies of opposite sex, seeing their naked form, and engaging in sexual intercourse. They say love, but they have only lust. Yeah, so it is pe kuch bolne laayak hai nahi, because everywhere on billboards, on television, आजकल तो टीवी सीरियल्स में भी दे शो सच नेस्टी हॉरिबल थिंग्स. यू नो टीवी सीरियल्स इटसेल्फ दे बिकम सो कंटामिनेटेड पोल्यूटेड, उसमें भी दिखाते हैं सोचिए. एंड होल फैमिली सिटिंग एंड वॉचिंग सच नॉनसेंसिकल एक्ट्स, फादर मदर चिल्ड्रन सन डॉटर एवरीवन इज वॉचिंग इट डे एंड नाइट. सो इट्स हॉरिबल हॉरिबल सिविलाइजेशन. और जितने लोग इन चीजों को प्रमोट करते हैं, एवरीबडी विल गेट द कर्मा, वेदर इट इज द प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर्स, एवरीबडी विल गेट कर्मा. Horrible things. Instead of showing the pastimes of Mahabharat, Ramayana, Bhagavad Gita, they are showing all nonsense, rubbish things through magazines, through school education. It's demonic civilization. तो इसके बारे में कुछ बोलने के लिए है नहीं. All of you know more than me how things are becoming degraded day by day in colleges, in hostels, in companies, everywhere. Okay, we'll read one more paragraph. Yes, Aditya Prabhu, please read. Roji, is it me? Yeah, please read. Yes, sir. Even the more sober members of society who are not cultivating gross sexual lust as their main business in life may be captivated by fantasies of enjoying the body of a sexual partner. For the thought of sex is never far away from the mind of a conditioned soul. But there is nothing intrinsically beautiful about any material body. Even the bodies of beauty queens are simply bags of skin filled with foul-smelling, revolting substances. Blood, mucus, bile, stool, and urine combined as muscles, bones, fat, liver, heart, and intestines, that is what they are having sex with. Sexual happiness is the happiness of uniting the two urine-producing parts. Yet by the mighty power of illusion, an arrangement of skin and flesh overrides all logic and sanity and brings even a person of intelligence down to the level of a dog. As a pig is attracted to a sow, or a male cockroach to a female, so is the sexual desire. It is not even slightly more elevated than that of the pigs. There is really nothing special about sex. It is not wonderful. It is not noble. It is not romantic. It is just a bodily function, a response to raw gut feeling. If you think about it soberly, the whole prospect of sex seems rather silly. Still, everybody is doing it. The president of America is doing it. The bums on the street are doing it. The cats and dogs are doing it. Only a few great souls are attempting to conquer over it. In human society, sex desire is expanded into many forms under the headings of profit, adoration, and distinction. All the trappings of so-called civilization, society, friendship, love, house, cars, clothes, position, power, prestige, money, and so on, are simply for facilitating and expanding this animal instinct called sex desire. But despite its external glamour, unless human society seeks out real beauty, which is Krishna, then it is not advanced any more than the pigs or any other animals. And despite all their emphasis on it, still, as surveys show, many karmis are actually bored at the time of sex. Then why don't they give it up and take to Krishna consciousness, the real nectar of life? Because they know nothing better, don't want to change, and are hoping against
hope that sex will make them happy. Yes, very important. So if you see in television also, they get TRP. The more they show beautiful women and they are semi dressed or hardly dressed, so more they get TRP. Movies also run because of that, right? Nowadays in every movie, they will add some sex in to get more views in trailer, and people should come and watch in theaters and spend and waste money. So it's horrible. Same thing they are telling. Unless we come overcome this desire for profit, adoration, destruction, and enjoying the senses, one cannot become happy in Krishna consciousness, or one cannot advance in his material life also. What to speak of spiritual life? Material life mein aap kuch nahi kar paoge. You cannot become successful in material life and neither spiritual life. Okay, time khatam ho raha hai. Sorry, I could not take much questions, but no worries. We'll continue in our next session, and we'll definitely discuss and dive more deep into all these topics. Hare Krishna. Jagat Guru.